अगेंस्ट द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इन ऑर्डर द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ओके, तो यहाँ यदि हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी को, हम इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, हम इसको दो तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तो हम लोग करते हैं प्लस आई के बेसिस पे, दूसरा हम लोग इसको कर सकते हैं प्लस एच के बेसिस पे। ठीक है, प्लस आई के बेसिस पे, और एक हम कर सकते हैं इसको प्लस एच के बेसिस पे। यदि आप लोग इसको देखोगे, फर्स्ट नंबर वाला जो आपको दिया हुआ स्ट्रक्चर, यदि हम इसको खोल के लिखें तो CH3 CH3 CH3, इस तरीके से लिख सकते हैं CH3 के होल साइज को। उसके साथ आपको क्या दिया हुआ है, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। इसका मतलब ये कार्बोकेटायन कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। कौन सा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। सेकंड नंबर का यदि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो सेकंड नंबर का जो स्ट्रक्चर है वो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, CH3 CH3। और जिस कार्बन से तीनों एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं वो क्या है, 3 डिग्री है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन वैसे भी मोस्ट स्टेबल होता है। तीसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें इसमें, तो तीसरा वाला जो कार्बोकेटायन दिया हुआ है आपको CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये भी कौन सा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और यदि हम फोर्थ वाला बना के देखें तो यहाँ आपको कौन सा दिया हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन हमें दिया हुआ है, CH3 CH पॉजिटिव, यहाँ आपको दिया हुआ है CH2 और CH3। मैक्सिमम स्टूडेंट जो इसमें मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो केवल प्लस आई वाला ही फैक्टर चेक करते हैं, प्लस एच को वो लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दोनों तरीके से बच्चे को समझाना चाहिए ताकि उसको ऐसा लगे कि ये जो इफेक्ट है या जो फैक्टर है वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो यहाँ यदि आप लोग देखोगे तो ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। और यदि हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखें, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है यदि हम उसको देखें, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, 3 डिग्री, देन पे 2 डिग्री, देन पे 1 डिग्री। और यदि हम प्लस एच के हिसाब से देखें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उतना ज्यादा यहाँ पे क्या लगता है, प्लस एच इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि हम लोग इसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे मोर बल्कि ग्रुप है तो प्लस आई ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इसमें, लेकिन यदि हम इसके अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करें तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। इस पोजीशन पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ यदि हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9। वॉट इज द अल्फा हाइड्रोजन, बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही काउंट करना नहीं आता है कि वॉट इज द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो भी कार्बोकेटायन है या डबल बॉन्ड है या फ्री रेडिकल है उसके नियरेस्ट पोजिशन पे जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा। और अल्फा कार्बन से ये वाला कार्बन अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, और इस अल्फा कार्बन से एसोसिएटेड जो हाइड्रोजन है दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और यदि हम लोग इसमें चेक करें तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो कि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, इस वाले में। ठीक है, मतलब हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए इसमें, सही ऑप्शन होना चाहिए 2 2। के बाद आप लोग देखते हो कि अल्फा हाइड्रोजन किसमें है, 4 में। ठीक है, तो यहाँ आंसर आना चाहिए आपका 4। हमसे इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी पूछा गया है तो इंक्रीजिंग वाला निकाल लेते हैं, सबसे ज्यादा होना चाहिए 2 का, देन फिर होना चाहिए 4 का। ठीक है, 4 के बाद होना चाहिए 3 और 3 के बाद होना चाहिए 1। यदि हम लोग इंडक्टिव प्लस एज में देखें कि इंडक्टिव के हिसाब से तो हमारा ये सही है, क्योंकि यहाँ पे मोर बल्कि ग्रुप आ गए तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, लेकिन प्लस एज ज्यादा डोमिनेट करता है किससे, प्लस आई से, इसलिए हमने 3 ऑप्शन पहले से लिया है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन आना चाहिए 2 4 3 1 2 4 3 1, तो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा इसका, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।